गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एरोमेटिसिटी, यानी कि कब एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने इससे पहले की वीडियो में देख लिया है, और साथ ही साथ उसमें हमने देखा था एरोमेटिक कंपाउंड और उसके साथ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड ऐसे होते थे जो एरोमेटिक होने चाहिए थे लेकिन वो नॉन एरोमेटिक होते थे, वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक में भी क्या कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, टाइप्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था 4π इलेक्ट्रॉन, 8π इलेक्ट्रॉन, 12π इलेक्ट्रॉन, 16π इलेक्ट्रॉन, ये सब जो नए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसी का हमने टाइप्स बनाया। तो ये होगा 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, ये हो गया 8π इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, ये हो गया 12, ये हो गया 16π इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। कुछ एग्जांपल हैं, इसी को हमें देखना है कि ये कौन से कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हैं। चलिए देखते हैं 4π इलेक्ट्रॉन। तो इस समय ये 4π इलेक्ट्रॉन में, इस समय 4π इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे वो देखिए, देखिए ये पाई वन में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज थे, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, ये आपको पिछली वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऐसे देखिए, कंडीशन क्या थी, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और हकल रूल नॉट अप्लाइड, उसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन हो, 4n pi इलेक्ट्रॉन हो, तब होता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो वही इसमें चेक करना है हमें, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है एंड कंजुगेशन है कि नहीं। देखिए डबल, ये डबल सिंगल, इधर लोन पेयर, ये माइनस चार्ज, और इधर सिंगल और ये डबल, यानी कि इसमें डीलोकलाइजेशन भी है, या फिर आप कहें कि कंजुगेशन है। और इसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन है, इधर दो इधर दो, 4π इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी हमारा साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ठीक है, कंजुगेटेड, कंजुगेशन में भी है, और 4π इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। आगे चलते हैं, ये भी हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है कि नहीं। इधर देखिए, कंजुगेशन के लिए मैंने बताया था डबल सिंगल या कोई चार्ज होना चाहिए, डबल सिंगल चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर कोई चार्ज आए, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी कि ये पूरा कंजुगेशन में है, और इसमें 4π इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब इसमें भी वही चीज़ है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन में होना कंजुगेटेड, 4n pi इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक। अब बढ़ते हैं आगे हम 8π इलेक्ट्रॉन की तरफ, इसमें दो, इसमें दो, दो, और ये माइनस का मतलब यहाँ पर लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, तो हो गए पूरे 8π इलेक्ट्रॉन। अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में भी है, इधर देखिए डबल सिंगल, डबल सिंगल, कोई चार्ज है, इधर चार्ज, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी कि ये पूरा कंजुगेशन में भी है, और 4n pi इलेक्ट्रॉन, जब हमने इसमें n की वैल्यू जब 2 रखते हैं, 8π होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इंट्रोडक्शन के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें 8π इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, पूरा कंजुगेशन में है, और 8π इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है। जैसे कि ये 7 मेंबर रिंग है, तो ये 3 मेंबर, पहले इधर देखिए 3 मेंबर, 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 तक तो ठीक है कि रिंग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अभी हमारे पास प्लेनरिटी मौजूद है, ये अपनी प्लेनरिटी को लॉस नहीं करते हैं, लेकिन ये रिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है। 8 मेंबर जब इसमें 8 कार्बन आते हैं, तो ये रिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है, और ये इसका प्लेनरिटी जो है ये प्लेनर नहीं रह जाता है कंपाउंड, ये हो जाता है टब शेप जैसा, जैसे कि इस तरह का कुछ कंपाउंड ये बन जाता है,
जैसे कि मैं बनाऊँ ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड मैंने ये ड्रॉ किया ये वाला, अब दूसरा वाला ड्रॉ ये वाला हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अब ये वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से, और जो ये वाला बॉन्ड है वो इस तरह से, उसी तरह इधर भी इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इधर से डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये सिंगल, ये डबल। तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है, इसे हम कहते हैं टब शेप। ये टब की तरह दिख रहा है ना, बाथ टब। अरे फिल्म वाल में देखा नहीं है, टब लाइक, टब लाइक शेप है इसकी। तो अब ये प्लेनर नहीं रह जाता है, तो ये कंपाउंड हो जाता है हमारा नॉन एरोमेटिक। ये वाला ना हो करके हमारा होता है नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड ये नहीं होता है, ये वाला होता है नॉन एरोमेटिक। अब ये प्लेनरिटी क्यों लॉस करता है, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि स्टेबिलिटी हम देखें, अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा जैसे कि एरोमेटिक और दूसरा हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरो में लिखता हूँ, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक आप समझ लेंगे, इधर ज़्यादा जगह नहीं है, इधर ए लिखता हूँ, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा एंटी एरोमेटिक, फिर इसके बाद होता है हमारा नॉन एरोमेटिक, उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। तो अभी देखिए, ये है हमारा होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये वाला स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, यानी कि जब ये एंटी एरोमेटिक था तो ये अनस्टेबल, लेस स्टेबल था, तो लेस स्टेबल था एंटी एरोमेटिक हमारा, लेस स्टेबल था। तो ये इससे थोड़ा सा जब नॉन एरोमेटिक होगा तो इसके कंपैरिजन में ये वाला स्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला नॉन एरोमेटिक होता है, और प्लेनर भी नहीं रहता है, नॉन प्लेनर रहता है, इसलिए ये इसका शेप ये रहता है। लेकिन अब इसमें अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम यही कंपाउंड हो हमारा और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव हो और दूसरा हमारा हो, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो ये कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे या फिर एंटी एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करेंगे इसका आंसर, अगर नहीं पता है तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसका डिटेल सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता देंगे, बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब आते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन पे, इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये देखिए कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा कंजुगेशन में है, और इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। इंट्रोडक्शन के लिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अब इसमें देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए, दो दो चार दो तीन छः दो चौका दो पद दो बारह और ये 13 14, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, लेकिन मैंने इसको 12 पाई इलेक्ट्रॉन में एग्जाम्पल में लिखा है, क्यों, कुछ तो रीज़न होगा। चलिए देखते हैं क्या है। ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में भी है, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, यानी कि इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 14 हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, देखिए कैसे। अगर हम इसका डीलोकलाइजेशन कराएं, इस बॉन्ड को हम इस साइड मूव कराएं, इस बॉन्ड को इस साइड और इस बॉन्ड को इस साइड, इसको इस साइड, इसको इस साइड, फिर इसको इस साइड, इस तरह के एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में किए थे एरोमेटिक जब हम देख रहे थे। अब देखो ये पूरा कंजुगेशन इधर से इधर इधर इधर, ये वाला पूरा कंजुगेशन में होता है, हो रहा है, लेकिन ये बीच वाला जो है
ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये तो ऐसे ही रेस्ट में पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन हकल डबल बॉन्ड। जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे और इन सबको हम काउंट कर लेंगे। फिर इसमें हो जाएगा, जब हम इसको काउंट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इससे हो जाएगा ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे पास फोर्थ है 16 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जाहिर सी बात है 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, दो ज़्यादा नीचे जुगा दो पंच बारह चौदह 16। ठीक, ये कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन 4n पाई यानी 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाया गया, इसका कुछ तो रीज़न होगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन अंदर की साइड है वैसे ही इधर बाहर की साइड भी होगा हाइड्रोजन, एक एक इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं इनर हाइड्रोजन और इधर हम कहते हैं आउटर, और ये एग्जाम्पल होता है एनुलीन का। जब हम एनुलीन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसमें, जब वहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को बस 16 पाई इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा तो आप वो लोग ये स्ट्रक्चर वहाँ पर ड्रा कर लेंगे, क्योंकि बार बार मुझे ये स्ट्रक्चर ड्रा ना करना पड़े इसलिए बता रहा हूँ। देखिए ये एनुलीन का एग्जाम्पल है, इसे हम कहते हैं 16, जो यहाँ पर 16 है तो 16 एनुलीन। अब बाकी इसका डिटेल हम लोग जब एनुलीन की वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे डिटेल, फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ये एनुलीन का एक एग्जांपल है जो कि एंटी एरोमेटिक होता है और इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हो गया ना सब, हो गया। लेकिन अब जाते जाते एक चीज़ और ध्यान कर लें आप लोग, कि अगर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन 18 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कंपाउंड होता है हमारा या तो एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड इस तरह के जिसमें 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंपाउंड कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और हमारे पास है 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई 4 × 3 = 12 4 × 16 और इसमें जो है वो या तो एंटी एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे। 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड कभी भी हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग वो लिख लेंगे। और हाँ, एक एग्जांपल और, पिछली वीडियो में एक एग्जांपल था इधर हाइड्रोजन था इधर भी हाइड्रोजन था, ये एरोमेटिक का एग्जांपल था। उसमें मैंने ये एग्जांपल लिखा था लेकिन उसको लगता है डिस्कस करना भूल गया था, फिर बाद में जब मैंने एडिटिंग के दौरान देखा तो इसको नहीं डिस्कस किया गया, तो मैं बताता हूँ। इसमें देखिए कंपाउंड आपको साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है और कॉन्जुगेशन में भी है, डबल सिंगल आप पूरा कॉन्जुगेशन देख लेंगे, तो ये कंपाउंड आपको कैसा लग रहा है? एरोमेटिक लग रहा है, क्योंकि 2 × 2 = 4 × 6 × 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे एरोमेटिक ना, तो ये एरोमेटिक लग रहा है, होना भी चाहिए एरोमेटिक। लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है और इसमें प्लेनरिटी जो है वो लॉस हो जाती है, तो ये कंपाउंड होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। आप लोग वहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा तो आप लोग वहाँ पर उसको सही कर लेंगे, ये होता है नॉन एरोमेटिक, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए बताना पड़ा। ठीक है, बाकी एंटी एरोमेटिक तो हो गया हमारा। बस आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।